नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंडिया न्यूज पर, आप देख रहे हैं कांग्रेस की गुटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़के कैप्टन अजय यादव। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कार्यकर्ताओं को गाली देने की यहां पर खबर आ रही है। तो एक वीडियो जो है वो सामने आया है, कांग्रेस की गुटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए कैप्टन अजय यादव नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव अपने कार्यकर्ताओं को पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर, किस तरह से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़के कैप्टन अजय यादव। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कार्यकर्ताओं को गाली दी। ये आप देखिए, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़के कैप्टन अजय यादव। तो कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कार्यकर्ताओं को गाली दी। तो बड़ी खबर यहां पर आ रही है, गुटबाजी यहां पर देखने को मिल रही है कांग्रेस में, और ऐसे में ये वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस नेता कैप्टन यादव का अपने कार्यकर्ताओं पर गाली देने का। ये वीडियो देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी का ये वीडियो अपनी ही कार्यकर्ताओं के बीच आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने किस तरह से कार्यकर्ताओं पर वो भड़के उन्होंने गाली तक दी। तो कांग्रेस की गुटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव अपने कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गाली उनकी तरफ से दी जा रही है। तो ये वीडियो सामने आया है कांग्रेस की गुटबाजी का, ये वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। और ये देखिए तस्वीरें, अमित कुमार हमारे सहयोगी रेवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित कुमार, कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कैप्टन अजय यादव कार्यकर्ताओं पर भड़क रहे हैं। जी जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार एक मजबूती की बात करती है, संगठन को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो उच्च नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं जो प्रयासों को परिता भी लगाते दिखाई देते हैं। मामला आज ही का है, ये एक रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष जो कि बूटी राजा यहाँ पे पहुंचे थे। मकसद था पार्टी को मजबूत करना, ताकि 2024 के लिए यूथ को पार्टी से जोड़कर पार्टी को मजबूत किया जा सके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक्चुअली रेवाड़ी में बात करते हैं, हर एक बूढ़ा गुट है जो इसमें महावीर यादव मस्तानी है, जो उसके समर्थक माने जाते हैं, वो भी उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनके समर्थक पहुंचे, कैप्टन अजय सिंह यादव उन पर भड़क पड़े, और जिस तरह से वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वो गालियों तक का प्रयोग करें। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस तरह से पार्टी मजबूत होगी जब पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव प्रदेश के वित्त मंत्री से लेकर अनेक महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं, वहीं रेवाड़ी से 6 बार विधायक भी रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इतने वरिष्ठ नेता आखिर किस तरह से जो गाली अभद्रता कर सकते हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक है पार्टी के लिए। आखिर पार्टी मजबूत कैसे होगी? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और अमित, ये भी देखा गया है कि पार्टी की तरफ से हमें हमेशा ये सफाई दी जाती है कि कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है ये तो कुछ और ही बयां कर रहा है। जी मैं आप ये बता दें कि रेवाड़ी में लगातार ये पहली बार नहीं है, रेवाड़ी हमेशा में जो कांग्रेस है थड़ों में बटी हुई है, यही इसका बड़ा कारण है कि हमेशा कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ती है। बुधवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जो बुद्धि राजा हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी को मजबूत करने का संदेश देने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव गाली देते दिख रहे हैं,
कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में मंथन शिविर भी होना है, उससे पहले जिस तरह से, और बड़ी बात ये भी बता दें कि जो कैप्टन अजय सिंह यादव है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पिछड़ा वर्ग है उसके राष्ट्रीय चेयरमैन है, ऐसे में सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर के जो कांग्रेस के नेता है उनका आचरण कैसा है, वो भी समझा जा सकता है और सवालों के कटघरे में भी है। जी अमित, क्या इस पूरे वीडियो को लेकर क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की? नहीं, हमने कई नेताओं से, जो वरिष्ठ नेता है रेवाड़ी में, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी सभी नेता बच रहे हैं। ऐसे में अब कैप्टन अजय सिंह यादव का भी हमने फोन ट्राई किया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से वीडियो में देखा जा सकता है कि क्विस्ट में कोई विशेष छिपा हुआ नहीं, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने इसी संबंध में जो बुद्धि राजा दिव्यांशु बुद्धि राजा रेवाड़ी पहुंचे थे उनसे भी बात करने के प्रयास किए थे लेकिन वो भी कुछ जवाब दिए बगैर निकल गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस तरह से जो गुटबाजी हरियाणा प्रदेश में चल रही है कांग्रेस के, कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो हुड्डा समर्थक थे, जो हुड्डा समर्थक कांग्रेसी हैं रेवाड़ी में, उनके खिलाफ जो अपशब्द यूज किए गए हैं, तो समझा जा सकता है कि गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में मजबूत करने की बजाय कहीं ना कहीं ये कृत्य कांग्रेस को कमजोर करने का काम करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जो दावे यहाँ पर कांग्रेस करती आई है कि संगठन मजबूत है पार्टी में, हम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तो बताते हो।